पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन, भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्ताबुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील दोस्ती के पास भोलेनाथ नगर इलाके में करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि खंभे से एक खुला हुआ तार नीचे गिरा हुआ था, जिसके संपर्क में ये गाय आ गई और इसकी मौत हो गई। लोग वहीं बिजली कंपनी पर भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही की वजह से इस गाय की मौत हुई है। गनीमत रही कि कोई इंसान इस खुले हुए केबल के संपर्क में नहीं आया। हादसा बताया जा रहा है कि रात 9 बजे के आसपास में हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता और एनिमल लवर भी मौके पर पहुंच गए और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर करंट लगने की वजह से एक गाय की मृत्यु हुई, ये ऐसा पहली मरतबा हादसा नहीं हुआ है। कितनी मरतबा ऐसा हादसा हो चुका है जिसे करंट लगने की वजह से कई बच्चों की भी जान गई है, कितनी जानवरों की भी जान गई है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज हमारे भोलेनाथ नगर में एक दुखद वारदात हुई है, जिसमें एक गाय की मौत हुई है। गाय मतलब हमारे हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय होती है, हम बहुत उसको भगवान के बराबर मानते हैं, ठीक है। ये 2 दिन पहले टोरंट वाले का ये जो पोल है, यहाँ पे कोई आदमी चढ़ा था इनका वर्कर कुछ काम करने के लिए, तो ये सारी गलती उसकी है। उसने वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा जो वायर लेके गया था, जो उसको कौन सा तार बोलते आप, वाइंडिंग वायर वो लेकर गया था, तो वो गलती से शायद उसने ऊपर ही छोड़ दिया था। आज शायद वो हवा आई या जो भी है वो करंट उसमें उतरा, उसके बाद उनकी नीचे जो आर्थिंग की जो पट्टी लगी थी उसमें करंट आया था। गाय बेचारी जा रही थी, उसका पैर लगा और तुरंत जगह पे वो ऑन द स्पॉट ऑफ हो गई। ये पहली मरतबा ऐसे टोरंट की लापरवाही नहीं है, इससे पहले भी दौलत नगर में एक वायर खुला था, उसकी वजह से एक बच्चे की डेथ हुई और अमन हाइट में अभी कुछ दिन पहले बिल्डिंग में पूरी आग लगी। ब्लू डायमंड जो है सोसाइटी थी, उसके अंदर भी एक जो है मीटर रूम में जो है आदमी रेड उठ गया कहीं। हाँ, ये वारदात इनकी है जो इनके गलती की वजह से हर बार होती रहती है। जनवरी महीने में हमारे शिल फाटा पे ऐसी एक भाई से ऑफ हो गई थी, वो भी वो शायद प्रेग्नेंट थी, ठीक है। आज ये मेरे गांव का ही ये बंदा दुदुल वर्मा, मैं इसको काफी सालों से जानता हूँ, जब मैं छोटा था तब से इसका बेचारे का यही धंधा है। आज 1.5 साल पहले इसने गाय खरीदी थी 1.5 लाख रुपए में। उसका डेली का दूध का जो कुछ ये था, मेरे ख्याल से दोनों टाइम का मिला के 36 लीटर या 37 लीटर का था। आज बेचारा पर डे इसका जो 2600-2700 का लॉस हुआ है, ठीक है। गाय तो चली गई बेचारे के हाथ से, आज इसको जो भरपाई मिलनी चाहिए टोरंट के तरफ से, क्योंकि ये पूरी गलती टोरंट की है। और ये जो आज टोरंट के ऑफिसर है हमारे रौनक जी, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि इनके गलती की वजह से वारदात हुई है। क्या मांग है? हमारी मांग इतनी है कि अब जो होना था हो गया, ठीक है, लेकिन ये बेचारे का जो लॉस हो रहा है ये टोरंट के तरफ से पूरा भर के मिलना चाहिए। हमारी मांग यही है कि आप पहले उसको कंफर्म करो, आप क्या करोगे, कैसे उसका भरपाई दोगे, तभी हम ये जो बॉडी पड़ी है गाय माता की इसको उठाने देंगे। नहीं तो अभी वो एक ऑफिसर से बात हुआ, उन्होंने बोला कल गुड़ी पड़वा है, हम परसों देखेंगे। तो हम अब यहाँ पे सब गाँव वाले जमा है, इसमें सभी कास्ट के हिंदू मुस्लिम सब है। हमारा कहना ऐसा है कि अगर आप परसों की बात कर रहे हो तो हम ये 2 दिन गाय यहीं से उठाएंगे नहीं, आपके 4 आदमी यहाँ पे रखो क्यों, तो अभी इसको कुत्ता आएगा मुंह लगाएगा फाड़ेगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप 2 दिन का टाइम मांग रहे हो, हम 2 दिन का टाइम देते, लेकिन यहाँ पे आपके 4 आदमी बैठा के रखो। गणेश भाई, देखा गया अक्सर कि टोरंट की लापरवाही से काफी लोगों की जान भी गई है, जानवरों की भी जान गई है। ये जो टोरंट कर्मचारी रहते हैं ये अपनी लापरवाही मानते हैं,
लेकिन उसके बाद में अगर ये जैसे गाय का पूरे मौसम जो है देने का भरपाई आप बोले करने के लिए, लेकिन ऐसे जो है आगे लोगों की जान जाएगी तो भी ऐसे जो है भरपाई करके थोड़ा अपने काम करेगी नहीं, तो ये जिम्मेदारी इनकी बनती है। जब इनको पता है कि इनके लापरवाही के वजह से ऐसी वारदात हो रही है हर बार, तो इन लोग ने कुछ उसके ऊपर इंतजाम करना चाहिए। नहीं, हर बार देखा गया ना, नहीं तो फिर वही है जैसे हर गांव में हो रहा है, टोरंट को बंदी कर रहे गांव में जाने से, तो यहां पे भी वही होगा। फिर अगर ऐसी जान जाती रही कि आज चलो ठीक है गो माता दी है, अगर कोई बच्चा ऑफ होता या कोई आदमी या लेडीज, क्योंकि ये जाने आने का रास्ता है, अगर कोई आदमी यहाँ से यहाँ पे अगर ऑफ होता तब ये क्या करते, आपको चलो ठीक है ये कमाने का जरिया था, भरपाई दोगे। अगर इसमें कोई इंसान की मौत होती तो आप उसको भी पैसे में गिनते क्या? अगर टोरंट की अगर ऐसी लापरवाही रही और ऐसी हादसा होता रहा तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? बंद कर देंगे टोरंट, जैसा हर गांव में गांव दीवा में हर जगह पे जो हो रहा है कि टोरंट को उन्होंने बंदी करके रखा है, गांव में एंट्री करने नहीं देता, हम भी यही करेंगे। यहाँ पर एक गाय की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि टोरंट पावर की गलती है? देखो मेरे पास 8:45 के आसपास उनका फोन आया यहाँ से कि करंट आ रहा है। आज उन्हें हमने आके देखा तो हमारा पोल में शॉक आ रहा था, उसकी आइडेंटिफाई करके हमने देखा और शॉक अभी रिमूव कर दिया, तो उसके लिए शॉक रिमूव करके हमने पावर चालू कर दिया। गलती ये है कि जो फाउंड मिला वो मैं आगे सेफ्टी ऑफिसर को अपने बता दूंगा। पहली ये लापरवाही पहली ऐसी लापरवाही नहीं, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी स्टूडेंट की तरफ से लापरवाही हुई है जिसकी वजह से बिल्डिंग में भी आग लगी। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ, पहले कल इनकी तरफ नहीं बता, ऑब्जर्वेशन में अभी प्रेजेंट का बता सकता हूँ किसने अटेंड किया क्या है वो, पहले तो पहले मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि ऑब्जर्वेशन किया वो मैं आगे बता दिया। आप तो अपनी गलती मान रहे कि यह हादसा जो हुआ आप लोग की गलती है, वाई फेज उतरा था उसकी वजह से, तो गलती तो आप लोगों की है, किसकी वजह से उतरा? हम लोग नहीं, हम लोग कर दिए।